झारखंड में एक तरफ करमा पर्व की धूम थी, वहीं दूसरी तरफ गांव में हाथियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए वनरक्षी एवं हाथी भगाओ दल के लोग रात भर बोकारो जिला के नवाड़ी प्रखंड के खरपीटो जंगल में मशान, टॉर्च एवं अन्य उपकरणों के साथ हाथियों के दल को भगाने में लगे रहे। भगाने के दौरान हाथियों का दल दो भाग में बट गया, जिससे हाथियों के एक दल ने रात में खरपीटो स्थित विद्यालय को तहस नहस कर दिया। विद्यालय का दरवाजा, अलमीरा, बोरिंग, कागजात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि करीब 1 लाख के लगभग का नुकसान इन हाथियों के द्वारा किया गया। वहीं ग्रामीणों के घरों के दीवार एवं फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। ज्ञात हो कि बीते एक सप्ताह से करीब 30 से 32 हाथियों का एक दल बोकारो जिला के सीमावर्ती क्षेत्र नवाड़ी के जंगलों में विचरण कर रहा है। इसी दौरान हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर लोगों के घरों में रखे सामान एवं खेत में लगे धान, मकई जैसे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र हाथी भगाओ दल के लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनको भगा पाने में असमर्थ हो रहे हैं।